डिजिटल पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस थर्ड डे नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 3 है। छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है एन ओड फंक्शन, ये इसका आंसर है। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज ओड फंक्शन। और भी ऑप्शन थे, इवन फंक्शन था डज नॉट एग्जिस्ट नॉट ऑफ दिस, बी ऑप्शन था एन इवन फंक्शन एंड सी ऑप्शन था डज नॉट एग्जिस्ट एंड डी था नॉन। ठीक है, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ एंड ओल्ड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एन ओल्ड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ओड फंक्शन होता है एंड ओड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड एंड ओड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो एक दूसरे की चेंजिंग फॉर्म है, इवन का ओड एंड ओड का इवन। नेक्स्ट नंबर, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंडिंग करना है। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग लॉग एक्स, यानी कि आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग का वन अपॉन एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, यानी कि होगा एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग लॉग एक्स इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एच किसके इक्वल होगा। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस का कोस स्क्वायर एच अपॉन एच यहाँ सोल्व होकर ये क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी का। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा टी अपॉन डी कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ डी बाई डी एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही बन जा रहा है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स यानी कि माइनस साइन 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे दिया घबरा गए क्या होगा, किस तरह से होगा, पहले देखें कि फॉर्मूला तो नहीं है, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स से तो नहीं बने, डी बाई डी एक्स से बनना होता है तो उसी से डायरेक्ट यूज़ कर दिया जाता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन से, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी या तो सॉल्व करेंगे काफ़ी लेंथी होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी फॉर्मूला है इसका है साइन अंडर रूट एक्स का, इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये आ जाएगा कोस अंडर रूट एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, सॉल्व करने पर ये बन जाएगा, इसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बन गया है। जो फॉर्मूला बने हुए होते हैं
उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं, उसको आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। y इक्वल टू दिया है e की पावर x प्लस e की पावर x e की पावर x, मुझको लग रहा है इस टाइप का हो चुका है, x प्लस y मान लिया जाएगा, है ना, यानी फंक्शन वही रिपीटिंग हो रहा है, a को छुपा के वही मान लेते हैं एड इनफाइनाइट तक। लॉग लेंगे तो ये अगर लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लॉग e, लॉग e का वन वन हो जाएगा, x प्लस का वाई इंटू वन लॉग y। तो इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लॉग y का वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वन प्लस y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। तो वाई अपॉन वन माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन है, 3 साइन एक्स वाई प्लस का 4 कॉस एक्स वाई इक्वल टू 5। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर फाइंड करना है, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। साइन एक्स वाई है और कॉस एक्स वाई है, यानी कि जो एक्स वाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसको बाद इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 3 साइन का हो जाएगा कोस एक्स वाई इंटू एक्स वाई का करना है, एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई एक्स का वन प्लस का कोस कोस एक्स वाई का माइनस का साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई एक्स का वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया 3 कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस का 4 साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसमें कॉमन आ जाएगा दोनों में, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, हाँ ठीक है। तो ये बिस्तर 3 कॉस एक्स वाई माइनस का 4 साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमन आ जाएगा ना, हाँ ये और ये कॉमन आ जाएगा, ओके। और ये पॉइंट को अगर जीरो में ले जाते हैं तो जीरो में चला जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग यानी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दैन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। और नेक्स्ट वैसे कोई गलती तो इसमें नहीं है, साइन का कोस हो गया और एक्स वाई का करेंगे ये आ जाएगा, और यहाँ पे कोस का माइनस साइन हो गया, एक्स वाई का करेंगे दिस कॉन्स्टेंट का उधर जीरो हो गया। ये दोनों में है, ये एंड ये दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल चुके हैं, और कॉमन निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये आ गया माइनस का बाद में एक्स। तो देखने में जो लगता है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ना, देखने में इसके जो ऑप्शन थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, ये वाला ऑप्शन भी था उसके। और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा देखने में लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे बस ये पता लग जाए कि पुट क्या करना है, वो तो बात बन ही जाएगी, फिर तो कोई खास समस्या नहीं है। अगर x इक्वल टू कोस थीटा पुट कर दें तो बात बन जाएगी, ठीक है।
एक्स इक्वल टू यहाँ पे कोस थीटा पुट कर दें, 1 माइनस का कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर कोस माइनस साइन में टर्म्स बन जाएगा, फिर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कोस थीटा माइनस 1 माइनस का कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कि साइन हो जाएगा, और नीचे भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा अब इजी हो गया है। तो वाई इक्वल टू यहाँ पे इतना बड़ा सा फंक्शन देख के थोड़ी सी हड़बड़ाहट कभी कभी हो जाती है और ये क्वेश्चन रिपीटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर कोस थीटा कॉमन निकालते हैं तो ये होगा 1 माइनस का टेन थीटा, और नीचे भी कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस टेन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाता है। तो वाई इक्वल टू है टेन इनवर्स 1 माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो अब आसानी से हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे की होंगे 10π/4 माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 प्लस इंटू 1 होगा, 1 को भी 10π/4 लिख सकते हैं, 10a-10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10 इनवर्स 10π/4 माइनस थीटा, तो ये होगा π/4 माइनस थीटा। वाई इक्वल टू दिस हमने पुट किया था एक्स बराबर कोस थीटा, देन थीटा इक्वल टू होगा कोस इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू π/4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन लेंगे dy/dx इक्वल टू 0 माइनस कोस का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल टू आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।